बर्थडे। बचपन है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के। सुबह सुबह हम क्लास में मस्ती कर रहे थे, when suddenly we found a puppy. पपी के लिए हम पैसे कलेक्ट करने लगे, जब suddenly मोना ने देखा कि oh my God, मेरे पैसे गायब हैं। No problem, मोना, मुझसे ले लेना। पता नहीं मैंने क्या किया, everybody started making fun of me. मीरा, I think सबके लिए टिकट खरीद लेंगे। मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। लास्ट वीक जो मेरे स्कूल की फीस गायब हो गई थी ना, उसी ने चोरी की होगी। जैसे कि पैसे मैंने ही चुराए हूँ। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। मेरी टक्कर विनी और अर्जुन सर से हुई, और फिर और उसकी इकलौती दोस्त भी उसे धोखा दे देती है, लेकिन वो फिर भी चुप है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सारी चिड़ियों ने उससे बात की। Hey guys, क्यों ना मीरा को पपी दे दे as a birthday gift? स्कूल जाना है। अरे कहाँ ना, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से। दादा तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ मेरी तबीयत खराब है। तो दवाई खाया? रॉक एंड रोल मेरे संग डोल, रॉक एंड रोल आ जा मेरी डोल। हो गया रॉक। क्या कर रहे हो सची? यहां पर कर दो। वाह पिकासो, ईट योर हार्ट आउट। ए किरण, कैसे आए तू? मुझे तो मेरी मम्मी ड्रॉप करके गई। नहीं, मैं और मजे दोनों एक साथ बस में आए। अरे आज तो स्कूल बस बिल्कुल खाली थी। अरे यार आज के दिन भी 8 क्लास में बैठना पड़ता है। I wish आज के दिन हम फिजिक्स लैब में बैठते। हाँ, हाय, ये मौसम, ये बारिश, ये इश्क, ये फिजिक्स। अरे कैप्टन, आप भी कैसे गए? Let's get। राघव ने सोचा कि वो स्कूल तक जॉगिंग करने आएगा। Right राघव? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? सिली, हमें दिखाई दे रहा है। हाँ यार, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे वो ही तो हम कह रहे हैं ना कितनी देर से यार। हाँ तो Forget it. तुझे क्यों टेंशन हो रहा है यार? Sorry यार, sorry. अरे ये बेला की फेवरेट क्लास है ना, वो आज भी नहीं आई। अरे यार आज तो सड़ जाएंगे इस आर्ट क्लास में। हाँ यार, इतने अच्छे मौसम में भी बोर होना लिखा है। Do something यार, तुम हेड गर्ल किस लिए हो? चलो सब छिप जाते, सर आएंगे सोचेंगे कोई नहीं आया, चले जाएंगे। एंड देन यू नो व्हाट, ऑल ऑफ अस विल प्ले फुटबॉल। व्हाट अ ग्रेट आईडिया यार। राघव, आई डोंट थिंक हमें छुपना चाहिए, हमें सर से परमिशन मांगनी चाहिए। क्लास क्लास क्या है? तो कौन सा क्लास है सर? 8 क्लास है। हाँ जी 8 क्लास सर। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है स्टैंडर्ड कौन सा है? ये 12th standard सर। ओ ग्रेट, चलो रोल कॉल कंप्लीट करते हैं। वो ना
कुमार जोशी प्रेजेंट सर, समानता प्रेजेंट सर, जॉन प्रेजेंट सर, मेहुल प्रेजेंट सर, मंजीत प्रेजेंट सर, नजर प्रेजेंट सर, राफे प्रेजेंट सर, राघव प्रेजेंट सर, राणा प्रेजेंट सर, बेला प्रेजेंट सर, किरण प्रेजेंट सर, अलीशा मीरा पिस्ता प्रेजेंट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब के सब प्रेजेंट हैं। नॉर्मली हम मॉडल्स पेंट करते हैं, रियल लाइफ स्केच बनाते हैं, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द लाइंस प्रपोर्शन। Let's go to the board. Sir. Good use of color. Excuse me, sir. Sir. Mona. Sir, आज बारिश की वजह से बहुत से लोग क्लास में नहीं आए हैं तो हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें छुट्टी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। सर, हम लोग बाहर जाके फुटबॉल खेलते, आप भी चलिए ना सर। मैं? Yes, sir. हाँ चलिए ना सर, बहुत मजा आएगा सर, आइए ना। फुटबॉल? फुटबॉल सर। Yes, sir. फुटबॉल सर। नो सर, हम फुटबॉल खेलने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, अभी बारिश में सर। क्यों, ये आर्ट पीरियड नहीं है क्या? बोलो सर, किसी ने आपको बताया नहीं सर? आज तो गेम्स का पीरियड है सर। लेकिन बारिश हुई ना सर, तो ऊपर से ऑर्डर आया कि आर्ट क्लास कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। ये कब हुआ सर? लास्ट मिनट सडन चेंज। तो फिर आप लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। मैं? यस सर। हाँ सर, आइए ना, बहुत मजा आएगा। फुटबॉल चलिए। फुटबॉल वो तो बाहर, चलो। Falling, chama chum chum, tan tan tan, tan tan tan. अरे लड़की ने आँख मारी, गिर गए हम। साइरस, तुम अपना ये बेसुरा राग बंद करो। It's so beautiful यार, इतने अच्छे मौसम में तुम्हें ढेंचू ढेंचू नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप ही बताइए मोना कि हमें क्या करना चाहिए। साइरस मेरे दोस्त, हम बाहर जाके फुटबॉल खेलेंगे ना, और क्या चाहिए तुझे? हाँ यार, good point. नहीं यार, जॉन अकेले जाएगा, कप ऑफ हॉट चॉकलेट। Don't worry मोना, फुटबॉल के बाद हम लोग साथ में जाएंगे। नहीं यार, इस महीने का मेरा सारा पॉकेट मनी खत्म हो गया है और थोड़े बहुत पैसे मैंने बचा कर रखे थे, वो भी चोरी हो गए। हाँ यार, मीरा के साथ तो यही पंगा हुआ था, याद है क्या गाइस? याद है क्या? उसने हमें बहुत रुलाया। नहीं साइरस, उसने हमें रुलाया कि हमने उसे रुलाया, स्टूपिड। और वैसे दूसरों को रुलाने के अलावा तुम्हारा और क्या काम है? और तुम्हारा और क्या काम है मोना? स्कूल की हेड गर्ल हो, डिसिप्लिन रखनी चाहिए। लेकिन यार, इनकी खुद के पैसे चोरी हो गए। ऐसे हेड गर्ल मैंने कभी नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी है। सबने नहीं देखी है। ओह गॉड, मैंने भी नहीं देखी। राघव, सैम, मुझे प्लीज इनसे बचाओ, इन्हें कोई फुटबॉल दिलाइए, मेरा फुटबॉल बना। चमचो बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम बरसात में। अरे भाई, तुम लोगों की क्लास नहीं चल रही। अरे भोलू दादा, इस बारिश के मौसम में कोई क्लास होता है क्या? I swear it, आप हमें फुटबॉल निकाल के दोगे रूम से? क्या बात करते हो? अरे तुम्हारा गेम टीचर नहीं आया, परमिशन कौन देगा? अरे हम में से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आप फुटबॉल निकाल के दो तो सही। भोलू दादा, क्या आपका कभी मन नहीं करता है कि आप भी इस सुहाने मौसम में बाहर जाके कभी फुटबॉल खेले? हाँ, अगर फिजिक्स लैब में है तब। अरे तुम्हारी अलकनंदा मैडम आई हुई है, जाकर उससे परमिशन ले लो। और अगर नहीं आई हुई है तो अपनी इस अलकनंदा मैडम से ले लो। अरे भोलू दादा छोड़ो उनको, आप हमें गेम रूम से फुटबॉल निकाल कर दो। अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा आपका, मैं हूँ ना स्पोर्ट्स कैप्टन। भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा टीचर नाराज हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? अरे नाराज कोई नहीं होगा, राघव है ना हमारे साथ, सब संभालेगा, डोंट वरी। अरे कम ऑन भूल जाओ, जल्दी जाओ, प्लीज कम ऑन। अच्छा साइलेंस साइलेंस, चुप। मेरी एक शर्त है। हां मंजूर है, मंजूर है। कुछ भी, तुम लोगों को मेरा एक शेर सुनना पड़ेगा। अर्ज कीजिए भोलू दादा। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। फरमाया है कि तुम सब बच्चे लोग इस तरह से चिल्लाना नहीं। वाह 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 वाह, आगे भी, वाह आगे भी है। तुम सब बच्चे लोग इस तरह से चिल्लाना नहीं और किसी भी टीचर को फुटबॉल के बारे में बताना नहीं। बहुत अभी फुटबॉल।
गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? लो भाई फुटबॉल लेके। आई टेल दीज पीपल सर कि बिना परमिशन के मैं बॉल नहीं दे सकता हूँ तुम लोगों को। हाँ हाँ, तो सर मैंने इनको कह दिया था सर कि जाओ और परमिशन लेकर आओ, आपकी लेकर आओ, किसी की भी लेकर आओ, मैं बॉल नहीं दे सकता हूँ। ओके, ये बोला कि बारिश में फुटबॉल खेलेंगे मैं? तो सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, आप ऐसे मत देखिए। अब तुम लोग कुछ बोलो ना, अब क्या बोलो बोलो दादा, आप भी क्या कुछ भी बोल दे, कुछ नहीं सर। सर मुझे फंसा रहे हैं सर ये, सर इन्होंने मुझसे एक शेर भी सुन लिया सर। सर सर सारी इनकी करतूत है सर, देखिए हंस रहे हैं ये, देखिए बोल दो। लेट्स गो प्ले। इनका बचपना तो अभी नहीं गया। और तुम्हारा? मैडम मेरी साड़ी नहीं है, वरना मैं तो वहाँ खेल रही होती। अच्छा। वैसे विशाल कैसा है? ठीक है, काम में बिजी रहता है। तुम लोग शादी कब कर रहे हो? क्यों, मैं बिना मंगलसूत्र के आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बारिश का मजा ले रही है चाय पी के। अब ये देखिए मैडम, ये हद है कि कहां तो ये बच्चों को रोकते भीगने से मना करते, खुद ही लगे हुए हैं उनके साथ। आई थिंक यू शुड टॉक टू मी। ये वेस्टर्न अप्रोच हमारे यहाँ चलने वाला नहीं है। इन बच्चों को अगर सर पे चढ़ाएंगे तो ये सर में दर्द पैदा करेंगे। यादव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बार नीचे जाके बारिश में भीग आओ, तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाए। यादव जी, वैसे आप क्यों नहीं खेल रहे? आई थिंक दे नीड योर हेल्प। हां, राफी को गेट द बॉल, गेट द बॉल जल्दी जल्दी। यस सर। सर सर सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। सर व्हाट इज दिस? सर विनिंग नाउ सर। अरे सर, तुम कौन हो? गिट्टू। अरे वाह गिट्टू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आप फुटबॉल खेलोगे हमारे साथ? Here, hold this. Come on. And up. Hey, hey, guys, नया मेंबर है हमारी टीम का। Hey, guys, look who's here. ये तो क्यों, राफी, ये कौन है? ये कौन है भाई?
इसका नाम है गिट्टू। से हाय टू एवरीवन गिट्टू, कम ऑन। ये कहाँ से आया? कौन है ये? हेलो, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तो खेलते रहते हैं आप? हाँ। चलो बाय एवरीबॉडी, मैं चला। अरे सर, अब आप कहाँ जा रहे हैं? तू ठीक है ना बेटा? अरे तेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया मैं, कहाँ चला गया था तू? बोलू दादा, ये आपका बेटा है। सॉरी सर, आपको इसकी वजह से परेशानी हुई। सर मेरे को तो पता ही नहीं चला, अपनी अम्मा को बताए बिना स्कूल में मेरे पीछे पीछे चला आया। वो तो अभी अभी इसकी अम्मा ने आके मुझे बताया कि गिट्टू खो गया है। मैं तो एकदम से पागल हो गया था। अच्छा चलो चलो, सब अंदर चलते हैं, बहुत हो गई बारिश। बोलू दादा, इसके पहले आपके बेटे को नहीं देखा कभी स्कूल में? सर पहली बार फैमिली आई है गांव से, बच्चों को स्कूल में नाम नहीं लिखा आपने? क्या बात करते हो तुम, स्कूल में नाम लिखवाना इतना आसान है क्या? ढेर सारे पैसे लगते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर भी यार इसे स्कूल तो जाना ही चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सर क्या बात कर रहे हैं, आप इसको सिर चढ़ा रहे हैं। ये तो वैसे भी दिन भर चल जाता है कि स्कूल पढ़ूंगा स्कूल पढ़ूंगा, पर मौज कहीं का। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हमारे स्कूल में भी पढ़ सकता है। हाँ सर बिल्कुल, अरे आपके बच्चों के लिए भी तो रूल होंगे ना सर? सर गिट्टू हमारे साथ नौकरी में क्यों नहीं पढ़ सकता? अरे क्या बात कर रहे हो, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? लेकिन सर स्टाफ किड्स के लिए तो फीस माफ होती है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मम्मी के स्कूल में फ्री में पढ़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टाफ और टीचर्स के लिए अलग अलग रूल बना रखे। सर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आई मीन एनीथिंग एट ऑल। सर आप भी तो कहते थे कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और स्कूल जाने का मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ कहता भी हूँ और मानता भी। तो आप गिट्टू के एडमिशन करवा दिए सर? सर 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 मैंने हेड क्लर्क से बात की थी, वो बोलता है कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता, हेड क्लर्क के प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊंचा है हेड क्लर्क। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, देखते हैं स्टाफ मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं। सर कुछ नहीं हो सकता सर। बोलूदा ठीक है, कुछ करते हैं। क्या बोलूदा है तुम्हें चुड़ैल वाली कहानी सुनाई? कौन चुड़ैल? ईपिल के पैर वाली, मैं जानता हूँ। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये रूल्स बनाए हैं, मैंने नहीं। लेकिन मैडम कुछ तो उपाय होगा। हम शिक्षा की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, उन पे अमल भी तो करके दिखाना चाहिए हमें। यस मैम। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पता है कि भोले दादा का बेटा हमारी स्कूल में पढ़ना चाहता है? यादव जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताने की क्या जरूरत है कि भोलू दादा हमारे यहाँ प्यून है? मैडम हम ये कहेंगे कि ये हमारे स्टाफ का ही बच्चा है। चंद्रगुप्त तुम इससे बेहतर जानते हो, तुम चाहते हो कि हम झूठ अपनाएं? यादव जी गुस्ताखी माफ, मैडम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नेक काम के लिए सच्चाई का चेहरा थोड़ा सा बदलने की जरूरत है बस। मैं आप सबकी बात मानती हूँ, भोलो की प्रॉब्लम भी समझती हूँ, मगर आप लोग मेरी प्रॉब्लम भी समझे, मैं भी आप जैसे एक शिक्षक ही हूँ। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि बोर्ड मीटिंग में ये बात रखूँ। नहीं मैडम एक मिनट, अगर मेरा कोई बेटा होता तो उसकी पढ़ाई तो फ्री में होती ना। हलकनंदा मैं गिट्टू को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए तो मंडे तक हम वो भी जमा कर सकते हैं। क्या ऐसा करना ठीक होगा? चलिए ये भी करके देख लेते हैं, आज रात को मैं बोर्ड मेंबर से बात करती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ग्रेट, हो गया समस्या का समाधान, अब आप लोग बैठ के यहाँ चाय पीजिए। सर जी मैं चला समोसा खाने। मैडम अरे समोसा खाने तो हम भी चलेंगे। चलिए प्लीज चलिए चलिए। बाय मैडम। तो सायरस कहता है कि सर मेरी चड्डी का नाड़ा खुला हुआ है। अभी एक घंटे पहले प्रिंसिपल मैडम ने फोन करके बताया। That's very good. और उन्होंने ये भी कहा है कि आज के बाद सारे स्टाफ के बच्चे डिनोबली में मुफ्त पढ़ेंगे। Very nice sir. Amazing. Yep. Teachers for Gittu Baba. Hip hip hooray! Hip hip hooray! सर मुझे अडॉप्ट कर लीजिए ना सर, फिर मेरी फीस भी माफ हो जाएगी और मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगा सर। और मेरा क्या होगा मैडम, आपको पालना कोई कम मुसीबत है? सर आप मेरी रेपुटेशन फिर से खराब कर रहे हैं सर। किरण बेटा पहले रेपुटेशन तो बना ले। अच्छा बड़े फनी बन रहे हो तुम, तुम्हें अडॉप्शन के लिए डालो क्या? क्यों रहेगा? सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज। गाइस गाइस गिट्टू हमारे लिए गाना गाएगा, कम ऑन गिट्टू। अरे वाह, कौन सा गाना है गिट्टू बेटे? आज हमारा कल अपना, कोई माने या ना माने, अपनी मस्ती है मस्ती की नया तराने। Denobly high, Denobly high, Denobly high. Wow, very good. Gittu, मेरा गिट्टू, मेरे चिकना का डॉक्टर बनेगा इस दिन।
हुआ गरम गरम चाय। क्यों बोलो दादा, अभी हमें बॉल देने में परेशान तो नहीं करेंगे आप? भाई मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है? और मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग इसी तरह से हमेशा हंसते खेलते रहो। बोलो दादा, पर गिट्टू जब सीनियर में जाएगा तब आप उसको फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाएंगे या क्रिकेट टीम का? तो जो तुम्हारे मन में आए तुम बना दो, तुम्हारा छोटा भाई है। और तुमने जो इस गरीब बच्चे पर एहसान किया है मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे ये क्या कह रहे हो बोलू दादा, अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो अलकनंदा मैडम का करना, उन्होंने तो तुम्हारे गिट्टू को गोद लेने की तैयारी कर ली थी। बोलू दादा, बात एहसान की नहीं है, बात इंसान के हक की है, अधिकार की है। शिक्षा पाना हर इंसान का हक है और यही बात विनीत सर ने हमारे सिर में घुसाई है और इसी बात पे इन लोगों ने मिलके भेजा खाया है मेरा, जानवरों ने। वो सब तो ठीक है बोलो दादा, लेकिन गिट्टू की मम्मी क्यों नहीं हमारे साथ आके बैठती है? वो क्या है कि अभी अभी आई है गांव से तो थोड़ा सा शर्माती है। मैं कोशिश करता हूँ। ए गिट्टू की मम्मा, ए बाहर आना, सब बच्चा लोग बुला रहा है तेरे को। नहीं आ रही है सर, वो आपसे शर्माती है। क्या है कि पराए मत के सामने बाहर ही नहीं आती है वो। ए गट्टू की अम्मा, सब बच्चा लोग क्या बोल रहा है कि गट्टू की अम्मा देहातन है, ए काय हमारा इंसल्ट करती है ना। अरे छोड़ी ना बोलू दादा, हम खुद जाके उनसे मिल लेते हैं। कम लेट्स गो। या लेट्स लीव दिस एनिमल्स हियर। चलो मैं ले चलता हूं मम्मी मेरी मम्मी के पास। या बोलू दादा मुबारक हो आपको भी। अरे ये क्या कर रहे हैं, इसके असली हकदार तो ये सब हैं, इनको भी। बोलू दादा किटू बेटा पूरा पढ़ना ठीक है, जो मैडम बताएगा ना उसको ध्यान से सुनना और किसी से लड़ना भी मत ठीक है। क्या करते तुम लोग उधर, अपना अपना क्लास में जाओ, जाओ जाओ अपना अपना क्लास में जाओ, तुम भी जाओ। अरे तुम लोग अभी इधर से चलो, यहाँ से चलो, बोलो ना एक बार तुमको जाने को। क्या हुआ? थैंक यू पापा। चलो चलो क्लास में जाओ अपना।